हेलो गाइस, तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को थैंक्स इतने सारे लोगों ने जो कमेंट किए मेरे पास कि भाई आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी कुछ बताओ कि एज ए कतर में अभी के टाइम पे एज ए सिविल इंजीनियर हमको काम करना हो अगर तो हम कैसे कर सकते हैं, इस पे सैलरी कितनी मिल जाती है एज ए सिविल इंजीनियर, अगर हमने बेसिकली डिप्लोमा से कोर्स किया हो, कुछ लोगों ने कुछ लोग बीटेक से भी किए हुए हैं, कुछ लोग फ्रेशर भी हैं, अभी पूछ रहे थे भाई एज अ फ्रेशर हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, अभी हमने कहीं भी काम नहीं किया है, कुछ लोग को 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है एज ए सिविल इंजीनियर में, फिर हम कैसे काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस पे फ्रेशर पे सैलरी कितनी मिल जाती है हमको हमको ये भी बताओ आप। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूं जो कि आपको बेसिकली वीजा के लिए जरूरत पड़ेगा, अगर ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी तो आप आराम से काम कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट सुन लो, रिक्वायरमेंट सुन लो जो आपको जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, नंबर वन बेसिकली आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिमम कहीं ना कहीं अगर आपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिया है तो एक्सपीरियंस ले लेना, कतर में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है और विदाउट एक्सपीरियंस जॉब मिलने के चांसेस भी काफी कम होते हैं और जॉब मिल भी जाता है तो सैलरी काफी कम लग जाती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सुन लो, पहला है आप लोग का पासपोर्ट, सेकंड है आप लोग का क्वालिफिकेशन कॉपी जो काफी जरूरी है, एक डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो अगर आपके पास ठीक है तो बहुत बढ़िया है, बाकी सारी चीज़ें नहीं भी रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल पे काफ़ी ध्यान देना, अपने शरीर में कोई भी कमी हो कोई बीमारी हो तो डॉक्टर से दिखा करके पहले ही अपना ठीक कर लो। ठीक है गाइज, मैं आपको बता दूँ कतर सिविल इंजीनियर का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब है कतर की। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है इस पर, बट हम आपको सैलरी बाद में बताएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट अभी भी सुन लो। देखो, आपका पासपोर्ट हो गया, फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आपका बेसिकली एक पुलिस सर्टिफिकेट होता है इसको क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड कॉपी कहते हैं, वो भी आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट कॉपी जहाँ भी आपने पहले काम किया हुआ, एक्सपीरियंस लेटर जो होता है वो भी जरूरत पड़ता है आप लोगों को, और आपको बेसिकली आइडेंटिटी प्रूफ, कलर्ड फोटोग्राफ्स, बस ये सारी चीज़ें लगती हैं और कुछ खास डॉक्यूमेंट नहीं है। सैलरी की अगर हम बात करें तो इसकी अगर आप फ्रेशर हो, आपने भी कहीं भी काम नहीं कर, अब जॉब मिल जाता है तो मिनिमम 3500 कतरी रियाल से लेकर के आपको 18000 कतरी रियाल तक मिलता है मंथली, डिपेंड करता है आपके जॉब लोकेशन के ऊपर, कैंडिडेट के प्रोफाइल के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर भी। तो हैव एन एजुकेशन, लोग डाउट कमेंट करो, बाय बाय।